हेलो गाइस एंड सबसे पहले सॉरी क्योंकि आपको इस वाले वीडियो में पूरी वीडियो में आपको काइन मास्टर का लोगो दिखाई देगा। तो मतलब पता नहीं क्या हुआ कि मतलब पहले इसी से एडिट हो रहा था लेकिन लोगो नहीं आ रहा, लेकिन अब लोगो भी आना शुरू हो गया तो पता नहीं क्या हुआ। तो प्लीज़ मतलब एडजस्ट कर लेना एंड हाँ मतलब सॉरी भाई सॉरी एंड एंजॉय द वीडियो गाइस। ठीक है What's up guys, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग मतलब ये जो वीडियो है सर्वाइवल सीरीज की वीडियो है एंड आज के इस वाले वीडियो में हम लोग माइनक्राफ्ट का सबसे यूजफुल फार्म बनाने जा रहे हैं जिस फार्म का नाम है गाइज आयरन फार्म। ये पूरा फार्म मेरी खुद के डिजाइन का होने वाला है। ये क्या भाई, अबे कौन से नशे वशे करके आए भाई, किस वाले बारे में गए थे बताना जरा मुझे। क्यों बताओ, नहीं मैं मुझे कोई जरूरत नहीं पूछेगा। ये भाई क्या हो गया इन लोग को, ये क्या भाई, हेलो वेट, इनकी नाक देखो गाइस कैसे ऊपर नीचे भुक 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 हो रही है, भुक 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 भुक। ओके बट इन लोगों को हुआ क्या भाई, ये देखो मतलब महाराजा को तीनों के तीनों एक साथ जमीन के नहीं। अबे ये दोनों एक तो सुपर है भाई। गाइस मैंने एक वो मोड लगाया था एनिमेशन मोड जिसके वजह से विलेजर्स का मतलब चलने का स्टाइल बदला। आप लोग देखो पहले विलेजर्स ऐसे मुट्ठी मतलब हाथ जोड़ के मतलब क्या होता है वो दोनों हाथ बांध के खड़े होते थे, बट अब देखो जो है इनके चलने का एनिमेशन बदल गया है से इसी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है गाइस। छोड़ो मुझे क्या करना है, जैसे मन वैसे रहे। यहाँ पे गाइस मैंने ढेर सारे वूल ले लिए हैं और गाइस ये आयरन फार्म बनाने के लिए मुझको गाइस टोटल 3 फार्म बनाना पड़ा। यस आयरन फार्म बनाने के लिए मुझे 3 फार्म बनाना पड़ा। अब वो फार्म मैं आपको अभी फटाफट चल के दिखलाता हूँ। और यहाँ पे गाइज मतलब जो रोज सामान चाहिए वो मैंने पूरा कलेक्ट कर लिया है कि जैसे टाइम नहीं वेस्ट होगा। मुझे वीट भी चाहिए क्योंकि गाइज हम लोग इसमें एक चैलेंज रखते हैं। वो चैलेंज क्या होने वाला है गाइज, हम लोग को आयरन फार्म में देखो आयरन फार्म में विलेजर्स की जरूरत पड़ती है। हम लोग गाइज 50 विलेजर्स को आयरन फार्म के अंदर ले जाने वाले हैं। अब उसके लिए आप लोग सोचें कि 50 विलेजर्स मेरे पास है नहीं भाई, मैं वहाँ ले जाके ब्रीड करवाऊंगा, 2 विलेजर को ले जाऊँगा फिर 50 विलेजर्स को ब्रीड करवाएंगे, यानी कि हम लोग को बहुत ढेर सारा ब्रीड चाहिए जिसके लिए मैंने एक वीट फार्म बनाया। हम लोग को लावा चाहिए था जिसके लिए मैंने एक लावा फार्म बनाया, इनफिनिट लावा फार्म। और हम लोग को वूल चाहिए था जिसके लिए गाइज मैंने एक वो वूल फार्म बनाया, वूल फार्म तो नहीं कहेंगे उसको, बस शीप मैंने भर दिया उसमें और बस वहाँ जाके शेयर से मैं खचा खच खचा कर चला देता हूँ। ठीक है तो फटाफट उस एरिया में पहुँचते हैं, फिर मैं आपको देख रहा था कौन कौन फार्म है। मैं तो रास्ते से जा रहा था लेकिन यहाँ पे एक ज़ॉम्बी का बच्चा आ चुका है एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी तरह मारेगा, मुझे दिख रहा है भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है क्योंकि अभी अभी मैंने उसके पापा को मारा है भाई। मतलब अभी रुक, मैं इसको मार नहीं पा रहा गाइस, वो ज़ॉम्बी का बच्चा चला गया। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना वूल फार्म, वीट फार्म और एक इन्फिनिट लावा फार्म। इन्फिनिट लावा फार्म कैसे बना मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा कुछ मेहनत वाला काम नहीं, बस ऊपर हमको लावा रख देना है, नीचे ड्रिप स्टोन गिरा देना है मतलब लगा देना है जिसकी वजह से ड्रिप स्टोन से गाइस पानी चूता है, पानी लावा जो भी है वो चूता है। ठीक है और नीचे हम लोग कोल्ड्रोन रख देना है जिसमें गाइस लावा भरेगा और फिर हम लोग को इन्फिनिट लावा मिलते रहेगा मिलते रहेगा मिलते रहेगा। बस ऊपर लावा भरने के लिए जितना ब्लॉक है उतना लावा होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मेहनत लगा लेकिन मैंने कर लिया एंड मैंने अपने फॉय में फॉर्चून 3 से लगाया गाइस क्योंकि हम लोग को सीड बहुत ढेर सारे मिलेंगे। मतलब एक वीट तोड़ने पर हम लोग को 3 सीड मिल रहे हैं गाइज, नॉर्मल तोड़ेंगे तो एक सीड या 2 सीड मिलेगा लेकिन वैसे हम लोग को 3 सीड मिल रहा है गाइज एक साथ सब में मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा मस्त इन्हें बहुत ऐसे सीड हो जाएंगे जिससे हम लोग को बहुत ऐसे बोन मिल बन जाएंगे। तो फटाफट तेरी मैया भाग गया, तो फटाफट यहाँ से गाइज पूरा वीट तोड़ते हैं एंड उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा भाई। बता दे रहा हूँ कोई अगर आ गया भैंस की उसकी, चलते गाइज फटाफट तोड़ते हैं ये सुधरने वाले भैंस की टांग। गाइज अपने सारा काम इधर का डन हो चुका है एंड अब फटाफट निकलते हैं अपना फार्म की तरफ। तो मेरे पास बहुत ऐसे सीड हो चुके हैं, बहुत ऐसे ब्रेड भी मैंने क्राफ्ट कर लिए हैं, इतने मिनट में तो अपना काम हो जाएगा। तो फटाफट फार्म को बनाने के साइड पे निकलते हैं एंड वहीं मिलता हूं मैं आप लोगों से। ओके गाइज तो फाइनली यहाँ पे मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया है एंड अब यहाँ पे हॉपर एंड चेस्ट का काम है तो फटाफट वो करते हैं। बट उससे पहले मुझे यहाँ पे टेम्प्रोरी ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे, तो अपने पास मशीन है ही डरने की क्या बात है, फटाफट यहाँ से टेम्प्रोरी ब्लॉक्स को माइंड करते हैं क्योंकि तुम्हारा मशीन है भाई, आप पता ही भाई मशीन हो तो क्या नहीं कुछ हो सकता था भाई। तो फटाफट लेते हैं। ओके गाइस तो यहाँ पे टेम्प्रोरी ब्लॉक्स भी आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा कलेक्टिंग एरिया बनाना है जो कि मैं बहुत बड़ा कलेक्टिंग एरिया बनाने वाला हूँ। ये पूरा फार्म गाइस मेरी डिज़ाइन पर होने वाला है, मतलब ये फार्म कहीं मतलब यूट्यूब पर मैंने देखा नहीं था,
मतलब चीज़ वही होने वाला है कि फॉर्म वर्क कैसे करेगा, लेकिन डिज़ाइन कुछ अलग होने वाली है, बट देखते हैं कैसा बनता है। एंड यहाँ पे हो चुका, अब सेम ऐसे ही हम लोग को तीनों साइड पे कर देना है, तीनों साइड पे सेम ऐसे ही रखना है, एंड बीच में चार का गैप होना चाहिए। तो फटाफट करते हैं। ओके गाइस, बीच में चार का गैप हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे चार हॉपर कनेक्ट करना है चारों चेस्ट से, कि सारा सामान सारे चेस्ट में जाए लाइक दिस। ओके ना, अब हम लोग यहाँ पे ग्लास का काम करना है, सारा कनेक्ट है ना। ओके सारा कनेक्ट है, बट उससे पहले, ग्लास से पहले मैं यहाँ पे कुछ वो मतलब एक बेड बना लेता हूँ गाइस अपने सोने के लिए। भाई विलेजर के सोने के लिए मैं बेड बनाना, अपने सोने के लिए खुद नहीं है भाई, खुद ला ले पड़े हैं सर। यहाँ पे फटाफट एक वुड, तीन वूल एंड एक क्राफ्टिंग टेबल तो है ही मेरे पास। चलो है, क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रखते हैं। यहाँ पे बन गया बेड, ज़ॉम्बी आना भी शुरू हो चुके हैं गाइस। फटाफट बेड बना। ओके एक, ओके ये हो गया। यहाँ पे फटाफट बेड लगा दो। ओके वेट, वो ज़ॉम्बी को देखो गाइस। भाई इस एनिमेशन मोड की वजह से ना बहुत सारे मतलब सारे मॉब जो है ना उनका एनिमेशन पूरा चेंज हो चुका है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा मस्त हो चुका है। एंड यहाँ पे इसको मारो भैंस की टांग। यहाँ पे एक क्रीपर भी है। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक भाई एक मिनट रुकना, ये देखना भाई इस एनिमेशन को, तो क्रीपर क्या मटक मटक कह रहा हो, ठुमक 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 भाई क्या मस्त क्रीपर ठुमक ठुमक मारते वारे। चलो छोड़ो भाई, क्या मस्त भाई क्रीपर की पूरी बेइज्जती हो गई भाई, इधर तो गंगोर बेइज्जती है भाई हो गई। चलो छोड़ो, क्रीपर की बेइज्जती हुई हमको क्या भाई। तो हम लोग यहाँ पे ग्लास से पूरा कवर करते हैं, एंड वन टू साइज से ग्लास कम पड़ेगा, मेरी भविष्यवाणी है, हो सकता है दो तीन ग्लास कम पड़ जाए। एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो लगा था मुझे, चार ग्लास कम पड़ गया। फटाफट मैं घर जाता हूँ, इस एरिया को पूरा कंप्लीट करते हैं ठीक है। आए हाय 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 भाई, जब कनेक्टेड ग्लास लगते हैं ना, क्या ही एकदम भाई क्या ही प्यारी लुक आती है भाई, एकदम दिल खुश हो जाता है यार, सच्ची बता रहा हूँ। यहाँ पे फटाफट ब्लॉक्स लेते हैं, एंड ब्लॉक तो मेरे पास थे ही, ऊपर चलते हैं गाइस फटाक से हम लोग। एंड अब हम लोग को यहाँ पे गाइस आठ आठ ब्लॉक ऊपर जाना है, यानी कि चारों तरफ से आठ आठ ब्लॉक ठीक है। तो फटाफट वो भी चलते हैं। आठ आठ ब्लॉक ऊपर आने के बाद हम लोग को सात ब्लॉक आगे जाना है। तो एक, जैसे यहाँ पे सात ब्लॉक आगे गए थे, तीन चार पाँच छः सात, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सात ब्लॉक आगे जाना है चारों साइड से। एंड फिर उन चारों साइड को कवर कर देना, मतलब पूरा चिपका देना, एकदम फेवक्यूक लगा के चिपकाना ठीक है। पूरा एरिया चिपकाने के बाद हम लोग को एक ब्लॉक ऊपर आके वापस से सात ब्लॉक आगे जाना है, एंड ये छः सात हो गया। जैसे गाइज ये हुआ है ना, वैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखो पहले यहाँ पे एक टेम्प्रोरी ब्लॉक, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, ऐसे जाना है। फिर इसको भी चिपका देना है फेविक्विक से, चिपकाना फिर से बोल रहा हूँ, ऊपर वाला एरिया भी फेविक्विक से चिपका के। गाइस मैं फेविक्विक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो आजकल की गोंद का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए फेविक्विक लगाना। अब हम लोग को क्या करना है गाइस, हम लोग को यहाँ पे एक बाउंड्री बनानी है, एक बहुत मस्त वाली एकदम जो एकदम प्यारी दिखे वैसी बाउंड्री बनानी है। मतलब सीधा साधा बात भाई, यहाँ पे एक डर्ट ब्लॉक लगाना है एंड फिर बाउंड्री बनानी है। वेट मैं अपना डर्ट ब्लॉक निकालूँ, पहले दिख रहा आप लोग कैसे। यहाँ पे डर्ट ब्लॉक रखता हूँ एंड एक, अबे वेट ये गलत लग गया, रुको 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 एक मिनट, यहाँ पे डॉट नहीं रखा, यहाँ पे ब्लॉक। एंड अब ऐसे ही हम लोग को पूरा मतलब चारों साइड पे करना है। तो एक मतलब पूरी एकदम मस्त वाली बाउंड्री बना देनी है जिससे पानी ऊपर मतलब नीचे नहीं जाएगा ठीक है। तो फटाफट ये भी कंप्लीट करते हैं। देखो क्या होता है ना, जब तक कोई परेशानी ना आए तब तक काम काम थोड़ी होता है, समझ रहे ना मतलब मेरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तक कोई परेशानी ना आए, इनको देखो भैंस की, इनको यहीं इनकी मैया का इनको बता रहा मैं, रुको रुको कोई एरो नहीं मारेगा कोई, रुक 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 तेरी, अबे वेट 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 भाई गाइस इनके मारने का एनिमेशन देखो भाई, इस मोड की वजह से इनका एनिमेशन भी चेंज हो गया। पहले राजा मर जाएगा, मर एंड अब इनके चमचे मरेंगे तुम्हारी भैंस की टांग। ओके यहाँ पे एक और है नीचे गाइस, बस उसको छोड़ो, यहाँ पे सोते हैं फटाफट। गुड नाइट जी सभी को, एकदम प्यारा वाला गुड गुड मॉर्निंग सभी को फटाक से। एंड यहाँ पे गाइज वो देखो, वो नीचे भाई अभी तक एरो लेके बैठा हुआ है। भाई तू जन्म बीत जाएगा लेकिन मैं नीचे नहीं आने वाला। अब तो गाइज अब क्या करना है, पहले हम लोग यहाँ पांच ब्लॉक, फिर यहाँ पे चार ब्लॉक, फिर यहाँ पे तीन ब्लॉक, फिर यहाँ दो ब्लॉक, फिर यहाँ एक ब्लॉक। ये पानी को पूरा अच्छे से बहेगा, मतलब नीचे तक छोड़ेगा। फिर हम लोग को यहाँ पे एक बाउंड्री बना देनी है बस इससे एक ब्लॉक आगे करके, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना आप लोग। यहाँ पे एक, फिर एक ब्लॉक आगे करके यहाँ पे, एंड ऐसे ही हम लोग को चारों साइड पे करना है। और उसके बाद गाइस हम लोग को इसके ऊपर जो बाउंड्री है ना, इसके ऊपर स्लैब लगा देना है जिसकी वजह से कोई मॉब ऊपर स्पॉन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने पूरा इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लिया क्योंकि अब पूरा वाटर भरना है। तो गाइस देखो एक चीज़ आप लोग को एकदम अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर वो गड़बड़ी हुई ना तो आप लोग का बहुत ज़्यादा मेहनत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। आप लोग का करना क्या है, देखो हम लोग को वाटर सही से डालना है। पहले ये जो, एक मिनट सही से दिखाने के लिए, देखो ये जो ब्लॉक है गाइस फर्स्ट ब्लॉक, इसके ऊपर पानी नहीं डालना आप लोग को, इसके बगल वाले सारे ब्लॉक्स पे पानी डालना है। एंड वैसा ही सेम हम लोग को इधर भी करना है,
ये जो ब्लॉक है गाइस इसके ऊपर पानी नहीं डालना, फिर इसके ऊपर पानी नहीं डालना, इसके ऊपर पूरा पानी डालना। इससे होगा क्या गाइस, मतलब अगर हम लोग इसके ऊपर पानी डाल देंगे ना, इन सब ब्लॉक्स के ऊपर पानी डाल देंगे, तो यहाँ पूरे में भाई पूरे में इन्फानाइट वाटर सोर्स बन जाएगा, जो कि हम लोग को इन्फानाइट नहीं बनाना। हम लोग को ऐसा करना है कि सारा पानी का फ्लो बीच गड्ढे में आए, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे मतलब इन्फानाइट वाटर सोर्स नहीं बनाना। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ डालना है, फिर दूसरा यहाँ, बीच से लो, फिर यहाँ, फिर बीच से लो, फिर इधर, फिर बीच से लो, फिर इधर, फिर बीच से लो, इधर। अगर आप लोग वहाँ डालोगे तो बहुत देर मेहनत बढ़ जाएगा भाई, टाइम टेकिंग सामान काम हो जाएगा वो, क्योंकि फिर आपको पूरा पानी सुखाना पड़ेगा, एंड सुखाने का भाई आपको पता है तो स्पॉन्ज या तो वापस से पूरा ब्लॉक से घेरो भाई। तो देखो सारा पानी यहाँ पे आ गया, अब ऐसे ही तीनों साइड पे करना है, तो फटाफट ये काम भी कंप्लीट करते हैं हम लोग। अब गाइस सबसे जानलेवा काम, ओके भाई इसमें मजा आता है भाई, साइड एमएलजी करने में, वाटर की साइड एमएलजी करने में मजा आता है। एंड यहाँ पे भाई देखो मॉब सारे बाहर, लग रहा है बारात में आए हैं भैंस के रंग क्रीपर के। चलो छोड़ो, अब गाइस सबसे हार्ड काम, हम लोग यहाँ पे किलिंग चैम्बर बनाना है लावे का, ठीक है। मैं ट्रेडेंट का भी बना सकता था, बट लावा जो लावा रहेगा ना वो ठीक रहेगा, वो तुरंत मार देगा भाई, लैग वैग करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किलिंग चैम्बर बनाना है एकदम ध्यान से, मैं अगर बोलते रहूँगा तो किलिंग चैम्बर ठीक से बनेगा नहीं। तो पहले मैं यहाँ पे क्लिंग मतलब कुछ करना नहीं है, बस वो ये क्या कहते हैं इसको, क्या नाम है भाई इसका, अरे तो क्या, साइन बोर्ड, साइन बोर्ड गाइस लगाना है, एंड उसके ऊपर लावा, फिर एक ब्लॉक छोड़ के फिर साइन बोर्ड, फिर लावा, फिर साइन बोर्ड, फिर लावा। एंड कहाँ लग गया साइन बोर्ड, वेट कहाँ लग गया भाई, ये बात करते करते मैं गड़बड़ी होती है भाई, हर बार गड़बड़ी होती है, गलत लग गया। मैं पहले पूरा बना लेता हूँ गाइस, उसके बाद ही मैं बात करूँगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग वो करो, क्या कहते हैं मतलब, अरे फास्ट मोशन टाइम लेस देखो, ठीक है, टाइम लेस सही था, टाइम लेस देखो। ओके गाइस, तो पहले तो आप लोग को एक चीज़ बताना था कि देखो आधा फार्म अपना बन चुका, मतलब 60% फार्म बन चुका है, लेकिन उसके बाद फिर मैं एक वीडियो बनाया था एंडर ड्रैगन को मारने का, उसके बाद फिर हम लोग एन सिटी गए, इलेक्ट्रा लूटे और भी बहुत कुछ किए, जिसकी वजह से आधा वीडियो तो इलेक्ट्रा के बिना बना और आधा वीडियो इलेक्ट्रा के साथ बनेगा। तो मतलब बस यही बताना था कि आप लोग ऐसा ना लगे कि ये इलेक्ट्रा मेरे पास कैसे आ गया, तो मतलब बता दिया मैं, अब मैं टेंशन फ्री हो गया। अब ये जो हम लोग डर्ट लगाते हैं ना भाई भैंस की, ये नहीं लगाना पड़ेगा। अब मैं एक स्टैक टॉर्च बना लिया, क्योंकि ऊपर जब हम लोग रूम बनाएंगे विलेजर्स के लिए तो वहाँ अंधेरा होगा, तो टॉर्च लगा दूंगा तो सही रहेगा। ये डर्ट का झंझट खत्म हो गया भाई, मतलब बहुत मस्त सीन हो गया। एंड चलते हैं फटाफट ऊपर के साइड पेन, यहाँ जितना भी कबाड़ है सारा मैं अंदर रखता हूँ। ठूसो भैंस की टांग, ठूसो कि वो भी रख देते, कोई काम का है नहीं, मतलब अभी हम लोग पास इतना मस्त हथियार है भाई कि वो कुछ ज़रूरत है नहीं। बेड में बाद में यहाँ से मतलब वूल बाद में लेंगे हम लोग मतलब बेड जब रूम बन जाए उसके बाद बनाऊंगा। तो फार्म अभी से ही बहुत ज़्यादा मस्त और बहुत बड़ा बना है, एंड सच्ची बहुत ज़्यादा तगड़ा फार्म होने वाला है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा मस्त। तो यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले तो वेट यहाँ पे टेम्प्रोरी ब्लॉक, ओके चलते हैं। वैसे ये नहीं डॉट है मेरे पास, टेम्प्रोरी ब्लॉक ही। तो पहले हम लोग को गाइस 6 ब्लॉक ऊपर जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 छः आ गए। अब इसके नीचे के सारे ब्लॉक्स तोड़ देने, मतलब ये एक नॉर्मल चढ़ने के लिए। एंड ये छठवें ब्लॉक, एक मिनट टूट जा, नहीं टूट रहा, छठवें ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखना है स्टोन का, ये सातवां ब्लॉक। एंड इस ब्लॉक को हम नीचे वाले को तोड़ देना है, बस एक हटा, अबे एक मिनट, ओके इसको हटा दो, ओके। अब यहाँ पे गाइस हम लोग को पूरा प्लेटफॉर्म बनाना है, मैं कितना बड़ा बनाने वाला हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आप लोग नीचे किनारे किनारे देख पा रहे होंगे बाउंड्री, इसके बराबर, मतलब ये पूरा जितना बड़ा ये है उतना बड़ा, पूरा एरिया नहीं बस यहीं तक, ये जो लाइन है गाइस, ये पूरा स्क्वायर बस यहीं तक हम लोग बनाने वाले। तो पूरा पहले बना के कंप्लीट करते हैं, एंड उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। ओके रूम तो बन चुका है, 4 ब्लॉक ऊंचा रूम बना है, एंड मैं टॉर्च की जगह पे ये लगा दिया और सी लैंटर्न। मैं वहाँ गया था ना ओशन मॉन्यूमेंट हम लोग गए थे, तो वहाँ से जो लाया था उससे और कुछ क्राफ्ट करके भी लगा दिया हूँ। एंड यहाँ पे जो टॉर्च है वो भी हटा था, पहले टॉर्च लगाया था लेकिन वो भद्दा लग रहा था, एंड अभी लगा देते हैं गाइस, क्योंकि अभी अंधेरा, बाद में जब और क्राफ्ट करूंगा। बट आप लोग पीछे आवाज़ सुनो गाइस, भाई कितना मस्त आवाज़ है। एंड एक बार इस एड ऑन की मदद से मैं फर्स्ट, मतलब पहली बार गाइस फर्स्ट पर्सन में अपने पैर देख पा रहा हूँ, मतलब मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि लड़की का कैरेक्टर है ना, तो मतलब मैं अपनी फर्स्ट बार अपनी पैर देख पा रहा हूँ भाई शांति से। तो यहाँ पे फटाफट बेड क्राफ्ट करते हैं, एंड यहाँ पे मेरे पास ये फ्लेचिंग टेबल भी है जिसकी मदद से मैं यहाँ पे इनका जॉब भी रख सकता हूँ। एंड रूम सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो 50 बेड लगाने हम लोग को। एंड अभी हम लोग के पास ज़्यादा बेड नहीं, 22 के 23 बेड क्राफ्ट हुए हैं,
49 हो जाते, बट कोई बात नहीं, फटाफट यहाँ पे सारा बेड लगाते हैं एंड उसके बाद फिर मतलब जॉब ऑफ लगा के उसके बाद में मिलता हूँ सीधा आपको, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट हार्ड काम विलेजर्स को वहाँ तक लेके जाना, मतलब आपको पता है विलेजर्स क्या नल्ले नल्ले तो नहीं होते क्योंकि मतलब अच्छा खासा सामान देते हैं भाई, क्या यार मतलब मैं इलाज छोड़ो भाई। तो सबसे हार्ड काम गाइस विलेजर्स को वहाँ तक लेके जाना एंड मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, अब मतलब यहाँ पे रेल तो जा नहीं पाएगी, पहली बात रेल नहीं जा पाएगी गाइस, बोट से हम लोग को ले जाना पड़ेगा, बट मेरे पास एक तरीका है गाइस बोट से ले जाने का, क्योंकि यहाँ से उतारने में इनको प्रॉब्लम नहीं होगा, ऊपर वहाँ तक ले जाने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट देखते हैं गाइस क्या करते हैं। मतलब भाई पता है आपको प्रो प्लेयर, अब प्रो प्लेयर के मतलब अभी मैं आपको फास्ट पूरा दिखलाऊंगा भाई, वहाँ तक ले जाते पूरा दिखलाऊंगा, पूरा आपको पता चलेगा कि बोट के रास्ते कैसे ले जाएंगे। बोलो तो भाई प्रो प्लेयर का आप वीडियो देखो, ठीक है, आप भी प्रो प्लेयर, मैं भी प्रो प्लेयर, चलो हाथ मिलाते, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट मैं पहले जितना भी कचरा है सारा अंदर रखता हूँ, कचरा तो नहीं सामान है, सामान सारा अंदर रखते हैं एंड चलते हैं विलेजर्स को लेके। हेलो का एक मिनट लीड यहाँ से ले लो, ओके हेलो बकरो, मतलब सॉरी सुन लिया भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, भाई तू आ जा पहले बैठ, तू रो रहा है तू पहले बैठ एंड सुन तू भी आ जा। तो चलो गाइस ये आ चुके हैं एंड अब भाई इनको लेके चलते हैं, स्माइट 3 दे रहा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसलिए इसको ले जा सकता हूँ आराम से। चलो भाई चलो चलो तो भाई तुमको बारात दिखाता हूँ मैं, बारात कैसी होती है वहाँ पे, अकेला मत समझो भाई, वहाँ पे अभी तुम्हारे पूरे के पूरे 48 मेंबर आने वाले हैं, तो अकेले नहीं हो तुम लोग, ठीक है। तो इनको फटाफट लेके चलते हैं एंड उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइज ये दोनों भी यहाँ पे आ चुके हैं एंड मैं आपको पूरा सीन दिखला चुका हूँ कि कोई भी चीटिंग नहीं हुआ, मैं यहाँ पे स्पॉन हुआ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, मैं पूरा प्रॉपर लेके आया हूँ भाई, लाने में मेरा हालत ख़राब, आप लोग तो कुछ सेकंड में देख लिए लेकिन लाने में मेरा हालत ख़राब हुआ है भाई, मतलब क्या कहा जाए। अबे ये कौन सा तरीका है भाई सोने का, अबे भाई ये ठरकी है लग रहा है गाइज दोनों के दोनों, छोड़ो भाई इनको मुझे क्या करना है, ठरकी हो वैसे ये ठरके होंगे तो इनके बच्चे भी ठरके होंगे भाई, क्या कर सकते, वैसे एक काम करते मैं भी सो ही जाता हूँ भाई, मतलब इनको सोने नहीं आया भाई ठरकी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अबे खड़े खड़े कौन सोते हैं, घोड़ी है क्या, सॉरी मैं खुद हूँ भाई, सॉरी सॉरी मैं अपना को घोड़ा वो, अबे भाई बस बस। तो गाइस आई होप आपकी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ पे मुझे पता है भी पूरे 50 विलेजर नहीं आए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो तक आ जाए एंड तुम लोग अकेले अकेले के हो भाई, जाओ कुछ करो कुछ, ओके ला 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 कर भाई, मुझे भी आना पड़ेगा क्या, हाँ ला 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 ला, जल्दी आ भाई, ओके हेलो सर, हेलो छोटू। तो गाइस आई होप आपकी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं अभी लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा कि यहाँ पे विलेजर्स आ जाए, तो तब तक के लिए लव यू एंड राधे राधे। I want the real stuff, everybody listen up, 'cause I'll only say it once, I'ma show you all the path.